भागलपुर शहर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और कई वार्ड के वार्ड पार्षद शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए निकले। इस दौरान प्राइवेट कंपनी के द्वारा की जा रही शहर की सफाई को लेकर भी पार्षदों और आम लोगों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी और शहर में गंदगी का अंबार होने की सूचना लगातार मेयर को मिल रही थी, जिसको लेकर मेयर के द्वारा शहर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई जगहों पर गंदगी का अंबार मेयर ने देखा, जिसको लेकर मेयर ने साफ तौर पर कहा कि सफाई का काम करने वाली कंपनी सफाई का काम ठीक से नहीं कर पा रही है और बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी को हटाने को लेकर वो कार्रवाई करेंगी। निरीक्षण के दौरान आम लोगों ने भी सफाई ठीक से नहीं होने की शिकायत मेयर से की। वार्ड का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताए, उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दुभर है, नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए, ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें, नहीं कर पाएंगे ये लोग काम। आज महापौर महोदया का आँख खुला है और इन्होंने अपने से प्रत्येक वार्ड में जा के भ्रमण की है कि साफ सफाई किस तरह का होता है। आउटसोर्सिंग का काम देख कर महापौर महोदया को काफ़ी तकलीफ हुई होगी, इतना तकलीफ हम लोग रोज़ पार्षद झेलते हैं। हमको लगता है कि आउटसोर्सिंग का काम से कोई लोग संतुष्ट नहीं है, आउटसोर्सिंग को जाना अब लगता है तय। आज वार्ड संख्या 38 सहित लगभग 5-7 वार्डों का निरीक्षण मेयर महोदया ने खुद से किया है। जो स्थितियां कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने शहर की बना दी है, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। वार्ड में सफाई के व्यवस्था के नाम पर सिर्फ लूट हो रही है, नगर निगम का और जनता का जो पैसा है उसकी लूट हो रही है और सफाई की व्यवस्था जरा सी भी नहीं है। आज मेयर महोदया ने खुद से, हम पार्षद लगातार इस कंपनी का विरोध कर रहे थे, आज हम लोगों के आग्रह पर मेयर साहिबा वार्ड में आई हैं, वार्ड में उन्होंने अपने से देखा है और इस सफाई एजेंसी को 2 दिन की मोहलत हम लोगों ने मात्र दी है। 2 दिन के अंदर ये सफाई एजेंसी ठीक हो जाती है तो ठीक, नहीं तो इस कंपनी को जाना होगा, ये तय है। और नई कंपनी आए या नगर निगम खुद से सफाई कराए, जैसे पूर्व में सफाई होती थी वैसे सफाई होगी, नहीं तो इस कंपनी को नगर निगम के सभी पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सहित जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नाक पर कपड़ा रखकर सड़कों से पार करना पड़ रहा है, 5-5 दिन तक कूड़ा नहीं उठ रहा है, झाड़ू नहीं लग रही है। यह कंपनी की गलती का श्रेय जनता हमें चुनकर भेजी है, जनता हमें पूछती है कि क्या सफाई क्यों नहीं हो रही है, और सफाई एजेंसी नगर निगम का जनता का की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर मौज कर रही है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त के बाहर है। इस नगर निगम की यह जो कंपनी आई है, इस कंपनी को जाना होगा या सुधरना होगा। और भी मेयर के सूचना मिलने के पर आज उठा कूड़ा, नहीं तो 3-4 दिन से ऐसे कूड़ा रखा हुआ था। कितना देर पहले उठा भाई? 15 से 20 मिनट पहले। अब महकता इतना, हम लोग परेशान, उठाया भी सही से नहीं उठाया, जहाँ तहाँ छोड़ दिया, ना झाड़ू पड़ता है, ना ब्लीचिंग है, कुछ नहीं एकदम। अब महक से हम लोग के दुकानदारी में आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो महापौर मोदिया ने हमें फ़ोन किया कि हम आपका वार्ड निरीक्षण करना चाहते हैं, हमने बोले आइए स्वागत है। हमने रामसर चौक से शुरू किया और एकाबगंज चौक तक इस दौरान 20 जगह पूरा डंप किया हुआ है और महापौर मोदिया ने खुद देख के कहा कि ये उचित व्यवस्था नहीं है, उचित सुविधा नहीं है, हम ऐसे कंपनी का विरोध करते हैं। और मुझे बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के कहलगांव की रहने वाली बबीता देवी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और पति को झूठे मामले में फंसाए जाने को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंची। दरअसल 8 सितंबर की शाम कहलगांव पुलिस सादे लिबास में महिला के होटल माही पहुंची और मदन यादव को पकड़कर ले जाने लगी। इसके बाद महिला को लगा कहीं कोई अपराधी तो नहीं पति को उठाकर ले जा रहा हो, जिसका महिला के द्वारा विरोध किया गया और पुलिस बालों ने महिला के साथ बदसलूकी करने के साथ बाल पकड़ कर खींचा। वहीं घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज होटल में लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला के साथ सादे लिबास में पुलिसकर्मी किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं। वहीं मदन यादव को पकड़ने गई पुलिस के द्वारा कोई महिला पुलिस को साथ में नहीं लाया गया था और न ही कोई वर्दी में पुलिसकर्मी थे। वहीं महिला का कहना है कि पति को झूठे मामले में फंसाया गया है। इन लोगों के द्वारा कहलगांव में जमीन को लेकर उस पर होटल चलाया जा रहा है और उस होटल पर प्लॉटर कृष्णा सेठ की नजर है और उसी के द्वारा कहलगांव पुलिस से मिली भगत कर झूठे मामले में पति को फंसाया गया है। वहीं महिला का कहना है कि पुलिस की वरीय पदाधिकारी जाँच कर उसे इंसाफ दिलाए। वहीं SSP ने भी बबीता देवी को जाँच का भरोसा दिया है। मेरे होटल में सिविल ड्रेस में पुलिस घुसी, मेरे पति को एक आदमी आगे से घुसी है, पीछे से मेरा रास्ता है, पीछे से वो एक दो आदमी घुसा है, तो एक ही आदमी जो है एक उजला शर्ट है और एक चेक शर्ट है, अच्छे दोनों उधर से पकड़ते हुए आ रहे हैं। हम काउंटर पे बैठे हुए थे, जब देखे मेरे पति उधर से चिल्लाए तो हम दौड़ के गए कि क्या हो गया मेरे पति के साथ, तो दोनों व्यक्ति जो है पूरा झिका झोरी करके उसको ले जा रहे थे, हमको बोले कि हम ले जा रहे हैं। तब हम दौड़ के गए हैं तो हम ढकेले हैं पूरा, हमको जो है कि घुमा दिए हैं वही पुलिस, वो तो बता रहे बाद में पुलिस, उस समय तो हम जान रहे थे कोई गुंडा घुस गया है मेरे होटल में, पूरा हम डर गए थे कि मेरे पति को कहाँ उठा के ले जा रहे हैं। तो वो बोला कि तब बोलने लगा कि हम थाना से हैं, तो हम मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब घीच तीर के पूरा हटाने लगा, पूरा झिका झोरी किए हैं। तब हम उनको पूरा बताया कि मैंने यहाँ CCTV लगा हुआ है कैमरा, आप मेरे साथ जितना दुर्व्यवहार किए हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मतलब झिका झोरी पूरा किया है सर, मंगलसूत्र कहाँ गिरा उनको मतलब वहीं पे, और फिर कान का एक तो बायां कान का एक वो कान का गिरा है। कहाँ है आज? क्या सर? SP साहब के पास आए। काहे के लिए इंसाफ मांगने आए सर, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, इंसाफ चाहिए हमको। कौन कर रहा है गलत? कृष्णा सेठ करवा रहा है। काहे के लिए? वही जमीन जो हम लिए हैं, इसीलिए जमीन लिए हैं, वो हड़पना चाहता है। मेरा रजिस्ट्री है, प्रूफ भी हो चुका है, थाना मिला हुआ है सर, तभी तो इतना हो रहा है। थाना गए हैं, बहुत बार एप्लीकेशन भी दिए हैं, नहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। पति को केस में भी नाम है आपका? जी। किस केस में? एक तो फोक्सो 8 लगा है सर। क्या सही है? नहीं सर, सही नहीं है। उसमें मेरे पति रूम में मेरे साथ हैं, बाल बच्चा के साथ है, सबका स्कूल बंद है, मेरा बाल बच्चा का स्कूल बंद है, डर हमेशा मन में बना हुआ रहता है। 1-3 साल की मेरी बच्ची है, उसको छोड़ के सर हम दिन भर होटल पे बैठे रहते हैं, 12 बजे रात तक रहते हैं। इंसाफ कीजिए मेरा, 12 बजे रात तक रहते हैं अकेले औरत होकर के, आदमी सब धमकी देता है कि यहाँ मर्डर होगा, तो हमको पूरा डर अंदर से बना हुआ है कि जो है कि मर्डर मतलब करने ही घुसा है। चार लोग आए सर बस स्टैंड के पास, ये बात बोला है कि गाड़ी काला गाड़ी है उसमें बैठा है, एक बिजली यादव है, एक सागर है, एक जो है कि संजीव जसवाल है और जोगेश है, ये चार आदमी गाड़ी के अंदर बस स्टैंड में बैठा हुआ है। होटल के लिए सब्जी लेके आ रहे थे, तो जो है चारों आदमी बोल रहा था कि होटल में मर्डर होगा, ये मतलब 13 तारीख का बात है ये। उसके बाद चार वो होटल है उस जगह, तो हमको लगा कि चलो ये किसी होटल का बात करता होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था कि मेरे पति के ऊपर केस है, अगर यहाँ होटल आते हैं तो जो है कि पकड़ धकड़ कर लेगा। तो हम रूम चले गए थे सर, वहाँ गए तो हम साड़ी पे थे लेकिन हम नाइटी बदल के वहाँ सो गए थे। फिर मेरे मन में आया गाय देखने गए हैं, जो बोलता है कि मर्डर करें मर्डर होगा, तो हमको तो डर बना हुआ है कि मेरे पति गए हैं तो हो सकता है मेरा पति का भी करे, जब आदमी सब इतना लगा हुआ है। तो क्या हुआ, हम आके काउंटर पे बैठ गए, नाइटी पे स्टॉल ओढ़ करके हम बैठे हुए हैं, तो आदमी एक आगे से आता है सीधे जाता है उधर अंदर से मेरे पति को लेके और घुसता है, एक आदमी लेके आता है, दो आदमी ले करके आता है, तो हम बस चिल्लाते हुए आ रहे हैं, झिका झोरी फोन भी लगा रहे, तो तब जा करके हम दौड़ करके जो है कि उसको ढकेलने के मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आ गया, बस स्टैंड में जो आदमी बोला है वही आदमी तो नहीं भेज दिया है,
वो पुलिस वाला था सर। बाद में पता चला जब वही बताया है कि हम पुलिस वाला हैं, थाना से हैं, तो हम बोले हम नहीं जानते हैं कि आप थाना से हैं। जी पति नहीं, पति को थाना लेके गए तो हम पूरा चिल्लाने लगे, बेहोश हो गए। मेरा बेटा कैमरा में रिकॉर्ड है, मेरा बेटा उठाया है, एक लड़का जिसके घर में रहते हैं वो भी हमको पकड़ के उठाया है। तब तक मैं उधर से बैठा करके हमको ले जा रहा था जहाँ पे केस हुआ है उसके पास जा करके उसको बोलेंगे कि मेरा पति जब गलत नहीं किया है तो केस कैसे हो गया, कौन केस करवाया है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो मतलब बोला गया है कि हम जो मेरा बेटी को काटा है एक ही आदमी को जानते हैं, बाकी बात हम किसी को नहीं जानते हैं, सबको हम रिहा करवा देंगे। वो मनोज यादव है, वो जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, उसको कभी भी अगर बढ़िया से कार्रवाई अगर होगा तो वो बोलेगा ये बात, वो बोलेगा कि मतलब हम पति को फंसाया जा रहा है। जी, मेरे पति को हर केस में फंसाया गया है, जितना भी के जी जमीन के लिए, जमीन में वाजिब इंसाफ मांगने आए हैं। जी, हम इंसाफ मांग, बबीता कुमार। जाति आधारित जनगणना को रोकने को लेकर भाजपा के खिलाफ सबौर और नाथनगर में जदयू कार्यकर्ताओं ने पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जदयू के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राज करना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। भाजपा की जाति और धर्म पर लगने वाली बात हम लोग कभी सहन नहीं करेंगे, भाजपा की मनमानी नहीं चलेगी। और उसमें असफल रहा और हमारा जो जीत हुआ है उसी के तहत पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश से विभिन्न प्रखंडों में मशाल जुलूस का, भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत आज सबौर प्रखंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सबौर प्रखंड के मुख्यालय से लेकर पंचमुखी मंदिर चौक तक ये आया है, जिसमें कि हमारा आज ये मशाल जुलूस का नेतृत्व हमारे प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह जी ने किया। और इस कार्यक्रम में, इस मशाल जुलूस के कार्यक्रम में हम लोगों के साथ 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 चल रहे हैं जिला जनता दल यू के उपाध्यक्ष सह सबौर प्रखंड के सम्मानित संगठन के प्रभारी दिवाकर बाबू, जिला जनता दल यू के महासचिव रवीश जी, सह सोशल मीडिया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे अति पिछड़ा के प्रदेश के नेता सह जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल साहब, जिला जनता दल यू के नेता उपाध्यक्ष सह गौराडी प्रखंड के प्रभारी मनोज मंडल जी, बरगल के बरारी पंचायत के सम्मानित मुखिया हमारे जो हैं पासवान जगन पासवान जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा शोभा जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री हम लोगों की बड़ी बहन संयुक्ता दीदी, इनके नेतृत्व में और कई महिला साथी हैं, और मृत्युंजय कुशवाहा जी जिला के नेतृत्व नेता, और तमाम हमारे साथी युवा जनता दल यू के सम्मानित महानगर अध्यक्ष सोमू राज जी और विभिन्न प्रकोष्ठ के सभी साथी सम्मानित आज इस मशाल जुलूस में ब्रजेश भाई के नेतृत्व में हम लोग लगातार वहां से चल के आए हैं। जिला जनता दल यू के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, पंचायत के सम्मानित सब पंचायत अध्यक्ष, पंचायत के पदाधिकारीगण और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड एवं जिला और पंचायत के पदाधिकारीगण सभी जुलूस में आज हैं। सबको मैं जिला जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई भी देता हूँ कि इतना सफलतापूर्वक आज जो ये कार्यक्रम सबने मिलजुल कर किया है सबौर प्रखंड में, इसके लिए सबौर प्रखंड के तमाम जनता दल यूनाइटेड परिवार के सभी साथी को ढेर सारा आभार और धन्यवाद जिला जनता दल यू की ओर से। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी जनता दल यू भागलपुर, जय हिंद जय भारत। मशाल जुलूस से क्या लगता है केंद्र सरकार को क्या फर्क पड़ेगी? देखिए, मशाल जुलूस ये राज्य के विभिन्न प्रखंडों में, पहले हमारा प्रदेश से निर्देशित जिला के मुख्यालय में हुआ, अब विभिन्न प्रखंडों में हो रहा है, जिससे कि हम जनता के बीच ये जताना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना विरोधी सरकार है, जो आरक्षण के विरोधी सरकार है, जो संविधान को जिससे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, वैसे सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है। और महागठबंधन और एनडीए के हमारे जितने भी इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर देश के गद्दी पे तमाम विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हम अपील और आग्रह भी करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं, सर्वमान्य नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको मौका दे और बिहार में जिस तरह पूरा विकास हुआ है, महिलाओं के पक्ष में, अति पिछड़ों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में, और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके भी पक्ष में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी जात पात का, बिना किसी धर्म का, भेदभाव के पूरे विकास का विकास किया है बिहार का,
उसी प्रकार से माननीय नेता को जब मौका मिलेगा दिल्ली के गद्दी पे जाने का और सब वहाँ विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं ये लोग जब मिलकर उनको मौका देंगे तो बिहार मॉडल पे पूरे देश का विकास होगा। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम कर रहे हैं कि जताना है कि भाजपा जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो आरक्षण विरोधी है। कई राजनीतिक पार्टी बोल रहे कि इंडिया रखने से कुछ नहीं होगा लेकिन देश का नाम भारत है। देखिए ये देश का नाम भारत, भारत बराबर इंडिया, इंडिया बराबर भारत, ये तो घबरा गए हैं। इंडिया के नाम पे कई ऐसा योजना चल रहा है पिछले, इंडिया का नाम आज से नहीं है, संविधान में कई जगह चर्चा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। ये हमारा जो इंडिया गठबंधन के नाम से घबराहट उनको इसलिए आगामी आप देखे होंगे पूर्व के दिनों में चुनाव हुआ देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव में सब जगह इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। इससे घबरा कर भाजपा के सरपंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो देश की झूठा पार्टी है उसके नेता उसके लोग घबरा के इस तरह का चर्चा कर रहे हैं और वो भटकाना चाहते हैं। वो इंडिया और भारत के नाम पे एक चर्चा करके जो मुख्य उद्देश्य है उससे जनता को भड़काना चाहती है, भटकाना चाहती है कि हमारा जो उद्देश्य है कि भाजपा आरक्षण विरोधी, अति पिछड़ा पिछड़ा विरोधी, छात्रों छात्राओं के विरोधी, महंगाई चरम पे ले गया, इन तमाम चीजों के मुद्दा को अलग ले जाके इंडिया भारत के नाम पे भटकाना चाहती है भाजपा। इसी उद्देश्य से इस तरह का चर्चा लाया है, बाकी ये कुछ नहीं है, इंडिया बराबर भारत, भारत बराबर इंडिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां काफी संख्या में विश्वविद्यालय कर्मचारी मौजूद थे। ये प्रदर्शन बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर एक साथ एक समान वेतन भत्ता की मांग को लेकर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी महासंघ के नेता रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को एक समय एक समान वेतन भत्ता की बात कही थी, लेकिन सरकार के द्वारा आज एक साथ एक समय और एक समान वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांग पूरी नहीं होने पर राज्य और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जबकि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी कार्य 3 दिनों तक ठप रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र ने कॉलेज में स्टाफ की कमी रहने कारण कॉलेज पहुंचने के बाद भी फॉर्म भरने से वंचित छात्रों ने स्नातक पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 1 दिन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर वीसी आवास का घेराव कर अपनी मांगे रखी। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने बताया कि छात्रों का कहना है कि 5 तारीख को रिजल्ट आया है, फॉर्म भरने की तिथि 8 तारीख थी, इस दौरान बीच में 6 और 7 को कॉलेज बंद था, जिस वजह से हम लोगों को 1 दिन का समय मिला। उस दिन कॉलेज में पार्ट 3 के फॉर्म भरने वाले छात्रों की अधिक भीड़ रहने के कारण हम लोगों का फॉर्म नहीं भरा सका, इसलिए छात्रों को कम से कम 1 दिन और फॉर्म भरने का समय दिया जाए। यहाँ यूनिवर्सिटी आए हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और क्या समस्या क्या है? समस्या हम लोग पार्ट 2 में मतलब प्रोमेड हो गया, ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म हम लोग भरने के लिए रेडी थे तो 7-8 दिन डेट था, तो डेट में वहाँ कर्मचारी वहाँ और 200 बच्चा से ज्यादा थे हम लोग, तो 150 के आसपास हुआ, 160 बच्चा छूटा हुआ, 60 में हम लोग 35 गो हम लोग प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर दिया कि यहाँ जाके सबमिट हो जाएगा, तुम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी आया है कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर बोलता है कॉलेज चलेगा, यहाँ से कॉलेज भेजा जा रहा है। इनसे मिले थे? यहाँ से वो पीए थे, कंट्रोलर सर के पीए थे और मिलने नहीं दे रहा कंट्रोलर सर। क्या कहा उन्होंने? वो लोग बोला नहीं यहाँ जब कॉलेज जाओ, कॉलेज से कॉलेज होता है हम लोग नहीं जानते। किस कॉलेज के छात्र तुम? बाका पीवीएस कॉलेज। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में CISCE रीजनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के बिहार झारखंड रीजन के 6 जोन बनाकर बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह प्रतियोगिता 2 दिनों तक 11 सितंबर और 12 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 6 जोन में जमशेदपुर, रांची, धनबाद, देवघर, पटना और भागलपुर है। इसमें कुल 175 स्कूल के बच्चे चयनित किए गए हैं, जिसमें कुल 145 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने बैडमिंटन कोर्ट पर उतरे हैं, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की स्पर्धा है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अलग अलग मैच है। जानकारी सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य बिजल माइकल कॉड्रियस ने दी। ISCE के द्वारा ऑर्गेनाइज होकर के बिहार और झारखंड रीजन का
बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 6 जोन भाग ले रहे हैं, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, देवघर और बिहार से पटना और भागलपुर जोन। इसमें टोटल 175 स्कूल करीब हैं, उससे सेलेक्ट होकर के 6 जोन में बट करके बच्चे आए हैं, जो लगभग 145 बच्चे खेलने के लिए आए हुए। ये 6 वर्गों में बटा हुआ खेल है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, ठीक है। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए है, इसीलिए सब 6 वर्गों में बट करके ये मैच आपस में खेला जा रहा है, जिससे कि टीम सेलेक्ट होकर के इस बिहार और झारखंड रीजन से टीम सेलेक्ट होकर के फिर नेशनल गेम्स जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टीम सेलेक्ट होकर के जाए।